हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, जो कि पनीर वाली है। पनीर वाले राजमा मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है। बहुत टेस्टी बनता है हमारा राजमा वाला, पनीर वाला ही राजमा। आप और बहुत ही कम सामान से बनता है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता इसमें। जो भी आपके घर में मसाले हैं आप उनसे बना सकते हैं। के लिए मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, राजमा और पनीर लिया है, और मैंने लिया है थोड़ा सा मसाले। ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, राजमा मसाला है और जो घर में रोज़ यूज करते हो वाले मसाले हैं। और थोड़ा सा फ़ोरन लिया है मैंने, जीरा और तेज़पत्ता, लाल मिर्च। गैस को मैंने चढ़ा दिया ऑन करके, उस पर कुकर रख दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, जब हमारा कुकर गर्म हो जाएगा। आप इसे कुकर में ही बनाए, कुकर में बहुत अच्छा बनता है। राजमा को मैंने रात भर गला के रख दिया था, उसमें अच्छे से वो गल गया। इधर मैंने कुकर चढ़ाया, इधर कढ़ाई मैंने ले लिया, इसमें मैं पनीर को फ्राई करूँगी। पनीर को आप हल्का सा फ्राई करके जब यूज करते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें जीरा और ये जो भी हमारा फ़ौरन था इसको मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, चटकने देंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज डाल के मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूंगी मैं, हल्का सा ही भूनूंगी। कुकर में इसे बनाने से ना क्या होता है कि हमारा राजमा बहुत अच्छा गल जाता है। प्याज डाल के मैं इसे भूनूंगी। प्याज का मात्रा मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रेवी भी रहता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा प्याज डाल रही हूँ। प्याज को डाल के मैं थोड़ा भूनूंगी। जब तक हमारा प्याज भून रहा है, तब तक हम पनीर को भी फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, अपना पनीर डालूंगी। ये पनीर जो है ना, मैंने घर पे ही बनाया। मैं जब भी कुछ पनीर वाला बनाती हूँ, पनीर घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट से कभी पनीर नहीं लेके आती। और ये देखिए कितना अच्छा पनीर बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा और बहुत ही हेल्दी, कोई मिलावट नहीं है इसमें। इसको भी बीच बीच में मैं चलाते रहूँगी। पनीर मेरा फ्राई हो रहा है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करती हूँ पनीर को। देखिए इधर हमारा प्याज भी भून रहा है, मैं इसमें अदरक लहसुन का जो कूट के जो मैंने रखा था ना, उसको डाल दिया है। मैंने अदरक लहसुन को ज़्यादा पीस के नहीं डालती, उसे कूट के ही डालती हूँ। उसमें ना थोड़ा खड़ा खड़ा भी रहता है और मेल भी जाता है, मतलब अच्छा लगता है उसका स्वाद। इसको चला चला के अच्छे से भूनूंगी मैं। थोड़ा सा जब ये भून जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर। देखिए टमाटर भी मैंने डाल दिया इसमें। कुकर में जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो हमें अपने टमाटर को या प्याज को किसी चीज़ को पीसना नहीं पड़ता है मिक्सर में। और ऐसे अगर आप कढ़ाई में बनाओगे ना, तो उसे पीस के डालना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छे से मिल जाए। इसलिए मैं ज़्यादा करके इसमें कुकर में ही बनाती हूँ। जो भी सब्ज़ी जिसको गलने में थोड़ा टाइम लगे या जिसमें ज़्यादा प्याज का मात्रा हो, अब मैं इसमें राजमा को डाल देती हूँ। डाल के थोड़ा देर इसे भी भूनूंगी नमक डाल के। राजमा के साथ में बनाऊंगी जीरा राइस, उसकी भी रेसिपी मैं आपको दे दूंगी। मैं नॉर्मल से चावल से बनाऊंगी, जो चावल हम यूज करते हैं घर में। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, ताकि हमारे सारी चीज़ें गल जाए। जब तक हम सब्ज़ी में नमक नहीं डालते ना, तब तक अच्छे से गलता नहीं है हमारा कुछ भी, जो भी हम बनाते हैं। नमक डालते ही ये गलना शुरू हो जाता है। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है नमक, इसको मैं चलाऊंगी, चला चला के भूनूंगी।
को बार बार मैं देख देख के चला रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। मसालों को डाल के थोड़ा सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना हमें। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा कम पानी डालूंगी मैं, जितना कि हमारा गले नहीं और तीन चार सीटी मतलब जले नहीं और तीन चार सीटी अच्छे से लग जाए। उसके बाद फिर मैं उसको खोल के कुकर को फिर भूनूंगी, फिर ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। ये देखिए लगभग थोड़ा सा भून गया है, तेल थोड़ा सा साइड से आने लगा है। थोड़ा सा और चला के और इसमें पानी डाल देती हूँ। ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ना, आप ऐसे बनाना अपने घर भी राजमा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा। देखिए मैंने डाल लिया इसमें पानी। पानी डालने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी चला के, और फिर तीन चार सीटी लगने दूँगी मैं इसमें, चार सीटी लगने दूँगी। उसके बाद फिर से खोल के भून के फिर से, जब तक इधर मेरा राजमा को सीटी लग रहा है तब तक मैं इसमें इधर ये दूसरे कुकर में मैं चावल बना लेती हूँ, जीरा राइस। इतना चावल लिया है मैंने, इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए नॉर्मल चावल है जो हम घर में यूज करते हैं। उधर मेरा राजमा बन रहा है, तब तक मैं चावल का भी अपना तैयारी कर लेती हूँ। ये लिया है मैंने घी, आपके पास जितना चावल है उस हिसाब से घी डाले उसमें। इसमें मैं डाल देती हूँ घी को, घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी जीरा। मैंने जीरा डाल लिया है एक चम्मच। जितना भी आप चावल बना रहे हैं उस हिसाब से घी ले, उस हिसाब से जीरा ले। मैं चावल को डाल के अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, भी डाल दिया है इसको बंद करके, और मैं दो तीन सीटी लगने दूंगी। दो सीटी, एक सीटी थोड़ा ज़्यादा फ्लेम पे और एक सीटी कम फ्लेम पे लगने देती हूँ मैं चावल में, फिर जाके मेरा चावल अच्छा से गल जाता है। ये भी हो गया है, मैं इसका गैस को करती हूँ बंद। मैं इसको खोल के और अच्छे से भून लूँगी। इसको फिर खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर सा हुआ है। प्याज हमारा गल गया है, मैं जब इसको चला चला के भूनूंगी ना तो सारे प्याज मैश हो जाएंगे। फिर से मैं गैस को ऑन करती हूँ, अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। जब तक साइड साइड से तेल नहीं छोड़ दे तब तक मैं इसे भूनूंगी। इसको बीच बीच में चला चला के भूनती रहूंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना पनीर, ताकि वो भी साथ में भून जाए और जो भी मसाला है तेल है इसमें घुस जाए। पनीर को मैंने डाल लिया, इसको बहुत अच्छे से चला चला के भूनना है ताकि नीचे जले नहीं। कितना सुंदर दिख रहा है हमारा ये सब्जी, देखिए पूरा जितना भी प्याज था ना सब गल गया है, एकदम मैश हो गया है। राजमा चावल खाना तो सभी को पसंद होता है, आप भी एक बार मेरी तरह बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगा। सबके घरों में बनता है राजमा, लेकिन सबके अलग अलग अपना एक टेस्ट होता है, एक स्वाद होता है। तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप भी बना के देखिए, हमेशा आप अपने तरह से बना के खाते हैं कि कैसा लग रहा है आपको।
और ये देखिए कितना सुंदर एकदम ग्रेवी वाला, कितना गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रेवी वाला और ये बना है। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक पूरे तेल नहीं छोड़ दे चारों तरफ से। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है और खुशबू तो इतना अच्छा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। देखिए कितना अच्छा सा बना है हमारा ये ग्रेवी वाला ये राजमा। मेरे कैमरा पे थोड़ा उसका भाप लग गया। चावल हो गया है, मैं इधर बना रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, अब लगभग भून ही गया है मैं हमारा ये ग्रेवी वाला। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब मैं जितना भी आपको ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्याज और टमाटर का ये किया है मैंने उसमें डाला है तो फिर बहुत ज़्यादा ये होगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी डालते हैं तो भी इसका ग्रेवी पतला नहीं होगा। अब मैं ना इसको कम से कम 4-5 सीटी दिलाऊंगी नॉर्मल फ्लेम पे, ना ज़्यादा हाई करना है ना ज़्यादा लो करना है, मीडियम पे 5 सीटी दे दिया है। अब लगभग बन गया हमारा ये राजमा, पनीर वाला राजमा। चावल भी हो गया है हमारा, मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कितना सुंदर चावल हुआ है, बिल्कुल सटा नहीं है, एकदम अलग अलग है। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने इसमें घी डाला है, घी का खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है। और हमारा राजमा भी लगभग हो गया है, लगभग नहीं पूरा ही हो गया। मैं इसका गैस निकाल के खोलूँगी, खोल के फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसा बना है हमारा राजमा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए कितना अच्छा बना है, मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा फ्रेश धनिया। ये देखिए धनिया पत्ते डालने के बाद कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये ग्रेवी वाला पनीर वाला हमारा राजमा, कितना सुंदर बना है ये देखिए। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी अपने घर पे ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। अभी मैं इसे सर्व करके अपने घर में जो भी मतलब ये है उनको खिला के दिखाऊंगी कि उन्हें कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे मेरी फैमिली में सबको पसंद है। आप भी एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा आप लोगों को भी। अगर उनको खिला के दिखाऊंगी कि उन्हें कैसा लग रहा है, पूछूंगी। बोल रहे हैं कि अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। ठीक है, कितना सुंदर, देखने में इतना सुंदर है तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू आप हमारे वीडियो को देखिए। बाय बाय।